नमस्कार भाई लोगों, साल 2023 काफी ज्यादा दमदार रहा है फिल्म इंडस्ट्री का, क्योंकि एक से बढ़कर एक दमदार फिल्में दी हैं हमारे बीच। जैसा कि आप लोगों ने प्रभास अन्ना की सालार फिल्म को तो देख ही लिया होगा, जिसमें काफी दमदार एक्शन देखने को मिली अपने को। जी हाँ, प्रभास अन्ना 2024 में कल की 28 डी फिल्म के साथ कमबैक करने वाले हैं। जनवरी के महीने में फिल्म का बजट 600 करोड़ का है। इसके साथ साथ प्रभास अन्ना संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्प्रिट में भी नजर आने वाले हैं। तो भाई लोगों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रभास अन्ना की कल की 28 फिल्म के बारे में। पर उससे पहले जो भाई लोग प्रभास अन्ना के फैन है, वो भाई लोग दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार। भाई यही नहीं, अभी और सुनिए। सबसे पहले और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि कल की 28 फिल्म 12 जनवरी 2024 में रिलीज होगी सिनेमा घरों में। कल की 28 फिल्म के लीड रोल में प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन, दुलकर सलमान, अमिताभ बच्चन, ये सितारे दमदार भूमिका निभाने वाले हैं। और फिल्म की कहानी में दिखाया जाएगा कि जब दुनिया पर टेक्नोलॉजी का अंधकार छा जाएगा, तभी ऐसी शक्ति पैदा होती है जो दुनिया से अंधकार खत्म कर देगी। सिस्टम पार देंगे। कल की 28 फिल्म के बजट और स्टारकास्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि फिल्म काफी ज्यादा दमदार होने वाली है और एक्शन भी भरपूर देखने को मिलने वाला है अपने को। और वहीं प्रभास अन्ना की सालार फिल्म ने भी 5 दिनों में दुनिया भर में 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। प्रभास अन्ना की सालार फिल्म सिस्टम हैंग करने वाली है 2023 का। तो फाइनली भाई लोगों, आप लोगों को प्रभास अन्ना की सालार फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और कौन कौन भाई लोग कल की 28 फिल्म का इंतजार कर रहे हैं ये भी बताना भाई कमेंट में। सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टाइम, टाटा बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों एक और कड़क वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।